हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 3:30 बजे से, और आज मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ जो मतलब लड़कियों को बहुत पसंद है। और क्या है आप लोग बताती हूँ वीडियो पे। तो पहले मैं अपना कैमरा को कहीं रखती हूँ, तो तब मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। इसके लिए जगह बनाती हूँ कि मुझे अपना कैमरा कहाँ पर सेट करना है, फिर बनाऊँगी वीडियो। तो चलो दोस्तों, अब करती हूँ वीडियो को स्टार्ट, और आपको बताती हूँ मेरे पास कितने झुमके हैं, मतलब नेकलेस और झुमके कितने हैं, तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये देखो, जो मैंने डब्बे भर भर के रखे हुए हैं, ये है 3 डब्बे। तो चलो एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले बताऊंगी मेरे पास कितने जोड़ी झुमके हैं। पहले इस पे देखो, एक जोड़ी ये है जो पिंक कलर के हैं, हल्के पिंक। अब बताना मुझे कमेंट करके कि कैसे है, ठीक है। इनको मैं रखती हूँ साइड पे। अब मैं दूसरी जोड़ी बताती हूँ आपको। ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर के है, इसको ही बताना कि ये कैसा है, कमेंट कर जरूर करना। और झुमके तो सबको पसंद है, खास करके लड़कियों को। जहाँ भी जाएगी, मार्केट जाएगी, कहीं जाएगी, झुमके जरूर लाएगी। और तीसरी जोड़ी है ये ग्रीन कलर के, हल्के हल्के। इनको भी साइड करती हूँ। और चौथी है, ये है वाइट कलर की, इनको भी साइड करती हूँ। और ये मैंने अभी खोला नहीं है क्योंकि मैं इनको कम पहनती हूँ। तो पहले इसको खोल देती हूँ मैं। और ये है पिंक कलर के, जो मैं अपने करवा चौथ के टाइम पर मंगाया था मैंने, पर मैंने पहना नहीं इनको, सिर्फ मंगाया और पहना नहीं है। और एक है ये तो मैंने बहुत बार पहना है। और इसके कान के हैं ये वाले, इसके साथ के। और दूसरा ये है, बताती हूँ। और ये मैंने बहुत बार पहने हैं, ये है, ये कान के हैं। और ये है मांग टिक्का, और इसके साथ गले का ही मिला मुझे। ये मैंने अपने करवा चौथ के दिन पहना था, सिर्फ मैंने यही पहना, और मैंने कुछ नहीं पहना था। एक गले का, इसको मैंने बहुत बार पहन रखा वीडियो पे, शॉर्ट जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तब मैं बहुत बार पहनती हूँ इसको। और एक ये है, मतलब दो सेम टू सेम है, इसको मैं बहुत बार पहनती हूँ ये, पर ये टूट गया अंदर से इनके, ये टूट गया अंदर से। ये मेरी शादी से पहले का है ये वाले। और इसके साथ का मांग टिक्का भी है, ये है मांग टिक्का इसके साथ का। चलो इनको मैं साइड करती हूँ। और ये है नथ, कुमाऊनी नथ, पर ये हमारी टियरी वाली नहीं है, ये कुमाऊनी वाली है। टियरी वाली मेरे घर पे है, जब मैं घर जाऊँगी अपने गांव तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मेरे पास तुम्हारी टियरी की नथ कैसी है। चलो इसको मैं साइड करती हूँ। और ये है माला, मंगलसूत्र, इसको वैसे हसूली बोलते हैं, हसूली, पर वैसे मंगलसूत्र ही है ये। चलो इसको भी साइड करती हूँ। और ये है झुमकी, इसको तो मैं बहुत, जब मैं गढ़वाली गाना के शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तब मैं इनको पहनती हूँ ज़्यादा। चलो इनको भी साइड करती हूँ। और एक माला मेरी ये है, मात्र यही मेरे पास होने की है यार, जो मैंने अपने साथ लाई हूँ, जिसको मैं डेली यूज पहनती हूँ, उस पर डेली पहनती हूँ,
और आजकल नहीं पहन रही हूँ क्योंकि ये टूटने वाली है, मेरे बाबू ने पूरी तोड़ दी है ये खींच खींच के, तो इसके लिए इसलिए मैं दही वाला धागा पहनती हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरी माल टूटने वाली है ना। सिर्फ ये ला रखी मैंने अपने साथ जो असली है सोने की, पेवर सोना, नहीं तो और सब आर्टिफिशियल है। और दो मेरे पास एक कड़े हैं जो मैंने मीशो से मंगवाए ऑनलाइन। चलो, और ये है मेरे शादी के टाइम की, जब मेरी शादी थी ना तो मैंने जिस दिन मेहंदी नहीं होती उस दिन पहनी थी मैंने ये अपने मेहंदी के दिन। और इसके साथ का मांग टिक्का ये। और ये कमरबंद है जो मेरी शादी की पहले से पहले की है कमरबंद, इसको कमर पहनते हैं जब साड़ी पहनते ना तो उसके बाहर से पहनते हैं इसको। कैसे लगे? और ये है मेरी शादी से पहले की टिक्की टिक्की, और ये दो है मेरे बिछुआ। तो दोस्तों ये रहे, यहाँ पर रखे हुए मैंने, ये मेरा स्टैंड बना रखा है यहाँ पे, और ये है। और तो मैंने घर पे छोड़ रखी है सब, जब घर जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ एक भूल गई मैं दिखाना आपको, और ये है गुलबंद, इसको ऐसे पहनते हैं, ये गुलबंद है। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और कल मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।